योगी और केशव का विपक्ष पर प्रहार। माफिया थे विपक्ष के गले का हार। अखिलेश के तीन यार, आजम, अतीक और मुख्तार। लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। योगी धुआंधार प्रचार कर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी लगातार माफिया और अपराध के खिलाफ अपनी सरकार की नीति को साफ कर रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी ने ऐसा बयान दिया जो चर्चा में है। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद में गरजते हुए योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि माफिया और अपराधी को गले का हार बनाकर ये लोग प्रदेश की जनता, बेटी, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करते थे। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज माफिया अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर हमला बोला है। केशव बोले कि सपा गुंडे, अपराधी, माफिया और दबंगों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। केशव बोले अखिलेश के तीन यार, आजम, अतीक और मुख्तार। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से एक भी दंगा ना होना बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया। अखिलेश यादव के तीन यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई। वहीं सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के वार के बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने सपा की माफिया से दोस्ती पर तो चुप्पी साध ली, लेकिन बीजेपी पर निशाना साध दिया। 1 लाख किसानों ने 10 साल में आत्महत्या की है, इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास? जो पेपर लीक हुए हैं, 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, वोट बीजेपी का हर लोकसभा में कम हुआ है। योगी सरकार और उनके सहयोगी विपक्ष को घेर रहे हैं। योगी सरकार में माफिया, अपराधी और गुंडों पर एक्शन की तस्वीरें विरोधियों को दिखा रहे हैं और जनता से बार बार कह रहे हैं कि गलत वोट दंगा, कर्फ्यू, अपराध, अपराधी देगा और सही वोट सुरक्षा और विकास देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं लोकसभा सीट हैदराबाद की, जहां से सांसद वर्तमान में और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो एक बार फिर से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, उन्हें अपनी सीट और वहां खिसकते हुए नजर आ रही है। और इसकी वजह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार माधवी लता, जो एक के बाद एक बड़े पलटवार कर रही हैं और किस तरीके के सियासी समीकरण बन रहे हैं, देखाते हैं इस रिपोर्ट में। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं। हम लोग माधवी का ऐलान, सकते में भाई जान। घर में घिरे ओवैसी, अब जंग होगी कैसी? माधवी का ऐलान, ओवैसी ने किया श्रीराम का अपमान।
खुद को हैदराबाद का सबसे बड़ा भाईजान मानने वाले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें उनके खुद के गढ़ में बीजेपी ने बढ़ा दी हैं। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले ओवैसी इस बार अपने बयानों से ही बीजेपी की हैदराबाद से उम्मीदवार माधवी लता के सामने पस्त नजर आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि चुनाव जीतने के लिए खुद की टोपी और दाढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। दरअसल मुस्लिम महिलाओं को लेकर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने बयान दिया था जिसमें मुस्लिम महिलाओं को पर्दे से बाहर आकर मजबूत होने की उन्होंने बात कही थी, जिसे ओवैसी ने उनके धर्म पर टिप्पणी बताया। लेकिन माधवी लता ने इस पर पलटवार करते हुए इसे उनके धर्म नहीं खुद ओवैसी पर हमला बताया। सलमान खुद ऊब गए हैं उनसे, थक गए उनसे। अब हिंदू तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उन लोगों का तो कोई सुनने वाला वहाँ पे MP ने अपना नहीं है सुनने के लिए, या MLA नहीं है सुनने के लिए। उनकी लड़ाई तो कई सालों से चल रहा है। इतना ही नहीं, माधवी ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि ओवैसी वो शख्स हैं जो भगवान श्री राम और सनातन पर हमला करते हैं, लेकिन अब चुप रहने का नहीं, अब वक्त जवाब देने का है। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था, तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। दरअसल माधवी लता के तल्ख तेवरों के बाद से ओवैसी को अपनी सीट खतरे में नजर आ रही है। माधवी लता लगातार हैदराबाद क्षेत्र के गरीब महिलाओं और वंचितों की आवाज बन रही हैं, जिसके बाद ओवैसी को अपना गढ़ खतरे में नजर आने लगा है। यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है, यह मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलाने का, जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको हम निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे, औरत के लिए ठहरेंगे। दरअसल 40 साल से हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। दरअसल 1984 में सलाउद्दीन ओवैसी पहली बार इस सीट से जीते थे। सलाउद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के पिता हैं। सलाउद्दीन ओवैसी लगातार इस सीट से 6 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं 2009 में पहली बार असदुद्दीन ने इस सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं उसके बाद से लगातार 4 बार उन्हें हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद चुना गया, लेकिन इस बार माधवी लता से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। बहरहाल हैदराबाद में AIMIM और ओवैसी का 4 दशकों से कब्जा है। तो चलिए इसी के साथ 10 में दम में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।